सो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज अपन बीकॉम पार्ट थर्ड, एबीएसटी फर्स्ट पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसकी बात करेंगे। अभी तक पिछले लेक्चर्स के अंदर अपन ने ये देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये अपन देख चुके हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रकृति क्या है, नेचर, और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके। तो अपन अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य इसके देख चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है। मैंने आपको इसकी विशेषता के अंतर्गत एक बात बताई थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक समन्वित पद्धति है। समन्वित पद्धति का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत अनेक सारे विषयों को सम्मिलित किया जाता है, और मैंने उस समय आपको बताया था कि इसके अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जब इसकी विशेषताएं की अपन ने बात की थी, प्रकृति या विशेषताओं की जब बात की थी, तो एक इसकी मुख्य विशेषता थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक समन्वित पद्धति है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ही इसके स्कोप के अंतर्गत सारी बातें इंटीग्रेटेड सिस्टम की आएंगी, समन्वित पद्धति के बारे में ही डिटेल्ड है इसके अंतर्गत, इसके स्कोप के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रबंध लेखांकन में लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार से संकलित किया जाता है, संकलित का मतलब उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है कि प्रबंधकों को नीति निर्धारण करने में, निर्णय लेने में, या दिन प्रतिदिन के कार्यों की अधिकतम कुशलता पूर्वक संचालित करने में मैनेजमेंट को सहायता प्राप्त हो सके, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो इसलिए इसके अंतर्गत प्रबंध लेखांकन में अनेक विषयों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है कि अत्यधिक बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका, और प्रबंध लेखांकन में किन किन विषयों को शामिल किया जाता है वही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये बात तो पता ही है कि प्रबंध लेखांकन में सबसे पहला जो मुख्य रोल होता है वो तो होता है किसका, वित्तीय लेखांकन का। शुरू में भी अपनी ये बात हो चुकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वित्तीय लेखांकन में तो आपको पता है कि शुरू में भी मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, व्यवसाय में होने वाले समस्त मौद्रिक लेन देनों को दर्ज करना, उनको अलग अलग वर्गीकृत करना, उनसे सारांश तैयार करना, और उनका विश्लेषण करना, निर्वचन करना, संवहन करना, ये सारे कार्य किसमें आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग को वो डाटा मिलता है, वो आंकड़े मिलते हैं, वो सूचनाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर प्रबंधक जो हैं वो प्रबंधकों के जो मुख्य कार्य हैं, नियोजन करना, नियंत्रण करना और निर्णयन करना, उनके अंतर्गत कंपनी को सहायता प्राप्त होती है। तो वित्तीय लेखांकन के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना कार्य कर नहीं पाती, क्योंकि मेन डाटा सोर्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही प्राप्त होता है। इसके बाद भी मैंने आपको बताया था एक दूसरा मुख्य विषय जो है वो है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्राप्त होती है और उनके लिए सहायक सिद्ध होती है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपने पिछले साल पढ़ी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ी हुई है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन प्रमाप निर्धारित करते हैं, प्रमाप लागतें बनाते हैं, फिर वास्तविक लागतों से उनकी तुलना करते हैं,
और उसके आधार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, बजटरी कंट्रोल करते हैं अपन, मटेरियल कंट्रोल करते हैं। तो देखिए इसके इसकी बहुत सारी टेक्निक्स जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काम आती हैं, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, है ना। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन लागतों को परिवर्तनशील लागत, फिक्स लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागतों में बांट देते हैं, उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। ये सारी टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अत्यधिक उपयोगी होती है निर्णयन के लिए, नियोजन के लिए। इसी तरीके से एक अन्य विषय इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसको अपन कहते हैं बजटिंग। बजटिंग या पूर्वानुमान, तो इसको अपन ये कह सकते हैं बजटरी कंट्रोल और फोरकास्टिंग। ये एक ऐसी विधि है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में आती है और मैनेजमेंट के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है, कि इसके अंतर्गत अपन भावी योजनाओं के सारे योजनाएं बनाते हैं, भावी पूर्वानुमान लगाते हैं, उनकी भावी नीतियां निर्धारित करते हैं, भावी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, टारगेट्स निर्धारित करते हैं। और ये सारा काम किसके आधार पर किया जाता है? पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है, फोरकास्टिंग के आधार पर किया जाता है। और उपक्रम के अंतर्गत, किसी कंपनी के अंतर्गत जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभागों के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और साथ ही साथ उनके अंतर्गत उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। और वास्तविक जब निष्पादन हो जाता है, तो उनकी आपस में तुलना करके निष्पादन की जानकारी इससे इस विषय से अपने को प्राप्त होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका प्रयोग करती है अपने अपने कार्यों के अंतर्गत। इसी के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो अकाउंटिंग में काम आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सांख्यिकी की देखिए बहुत सारी विधियां आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए आपने पढ़ा था रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन। अब प्रतिगमन एक ऐसी इंपॉर्टेंट विधि है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिसमें अपन रिग्रेशन में, आपको पता है आपने क्या किया था, एक चर का मूल्य दिया होने पर उससे संबंधित दूसरे चर का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, कि अगर हम इतने रुपए का एडवर्टीजमेंट करेंगे तो विक्रय कितने रुपए का होगा, या विक्रय इतने रुपए का हम करना चाहते हैं तो बताओ एडवर्टीजमेंट कितने रुपए का करें। ये सारी विधियां रिग्रेशन एनालिसिस है। इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट टाइम सीरीज, ये विधि स्टैटिस्टिक्स की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत बड़ी इंपॉर्टेंट काम आती है, काल श्रेणी का विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक स्टैटिस्टिक्स की, सैम्पलिंग, प्रतिचयन तकनीक। ये कुछ विधियां ऐसी हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अत्यधिक कार्य में आती हैं, निर्णय लेने के काम में आती हैं, नियोजन के काम में आती हैं और नियंत्रण के कार्य में आती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे मुख्य कार्य हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? एक तो नियोजन करना, एक निर्णयन करना और एक नियंत्रण करना। इन तीनों के लिए ये सारी विधियां जो हैं ये काम में आती हैं, स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एंड सैम्पलिंग, ये सारी पूर्वानुमान के लिए और प्लानिंग के लिए काम में आती है। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स में अपन ने पढ़ा था कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स कैसे बनते हैं, पाई डायग्राम कैसे बनता है, टेबुलेशन कैसे होती है, सारणियन आपने पढ़ा था एक चैप्टर कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, इंडेक्स नंबर आपने पढ़ा था। ये सारी विधियां जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स की वो विधियां हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अत्यधिक उपयोगी होती हैं,
नियोजन नियंत्रण और निर्णयन के अंतर्गत कार्य में आती है। इसी तरीके से इसके आगे की अगर अपन बात करें तो एक अन्य विषय है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत कार्य आता है, वो है सामग्री कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। इसको अपन कहते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। ये भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। इन्वेंटरी कंट्रोल आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है। इसमें अपन विभिन्न प्रकार के स्तर निर्धारित करते हैं, जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, रीऑर्डर लेवल कितना होगा। ये सारे के सारी चीजें किस काम आती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काम आएंगी। और इसी तरीके से आपने पढ़ा था डेंजर स्टॉक लेवल, ये सारी जो सूचनाएं हैं इन्वेंटरी कंट्रोल की, ये प्रबंधकों को उनके निर्णय लेने के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो प्रबंधकीय नियंत्रण के अंतर्गत के क्षेत्र के अंतर्गत सामग्री नियंत्रण का भी बड़ा उपयोगी हाथ है, इसका भी, इसकी सूचनाएं भी उनके अंतर्गत बहुत उपयोगी है, कार्य में आती हैं। इसी तरीके से एक विषय है जिसको अपन कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग, कर नियोजन व कर लेखांकन। टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में प्रत्येक कंपनी को, प्रत्येक उपक्रम को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते हैं और उनकी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं, समय समय के ऊपर उनको उनको जमा कराना पड़ता है, रिपोर्ट्स को भी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, उनके टैक्स का भी भुगतान करना पड़ता है, एडवांस टैक्स भी भरना पड़ता है, विवरण भरने पड़ते हैं, कर निर्धारण करना पड़ता है। तो इन सभी और ये सारे कार्य उचित समय के अंतर्गत करने पड़ते हैं, निर्धारित समय के अंतर्गत करने पड़ते हैं। यदि निर्धारित समय पर नहीं किए जाएं तो फिर पेनल्टी का प्रावधान है। तो टैक्स प्लानिंग का सब्जेक्ट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके आधार पर टैक्स का भी निर्धारण मैनेजमेंट अपने नियोजन में नियंत्रण के अंतर्गत करता है। और इसके अलावा एक विषय है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण। ये विषय भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, कार्यकुशलता को मापन करने के लिए एक इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही निर्धारित की जाए। जवाबदेही का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण किया जा सके। तो इसलिए कंपनियां इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था करती हैं, और इंटरनल ऑडिट जो है वो उससे निष्पादन का मूल्यांकन होता है, कंपनी के कर्मचारियों की परफॉर्मेंस, उसका निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन, उसका मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये विषय भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत बड़ा उपयोगी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसी के साथ में एक अपन कह सकते हैं रिपोर्टिंग, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। रिपोर्टिंग के अंदर आपको पता ही है कि प्रबंध के लेवल्स होते हैं, प्रबंध के विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उन सभी स्तरों के ऊपर तो रिपोर्टिंग होती है, उनके विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन बनते हैं, जिससे कि उन प्रतिवेदनों के आधार पर मैनेजमेंट आवश्यक कार्रवाई करता है और निर्णय लिए जाते हैं। यदि इन रिपोर्ट्स को भेजने में विलंब हो जाए तो फिर इनकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है,
इसलिए अलग अलग स्तर के प्रतिवेदनों में अलग अलग स्तर की सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ये जो रिपोर्टिंग होती है, ये रिपोर्टिंग मंथली भी हो सकती है और अर्धवार्षिक भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है, दैनिक भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। तो ये जो रिपोर्टिंग है, इस रिपोर्टिंग के बेस के ऊपर मैनेजमेंट बहुत सारे निर्णय लेता है। रिपोर्टिंग लाभ हानि से संबंधित भी हो सकती है, रिपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग फंड से रिलेटेड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग कैश से रिलेटेड भी हो सकती है, रिपोर्टिंग मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विभाग हैं कंपनी के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट के स्तर हैं, और उन सब की रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को या तो दैनिक चाहिए, या साप्ताहिक चाहिए, मंथली चाहिए, या अर्धवार्षिक वार्षिक रिपोर्टिंग है। इस रिपोर्टिंग के बेस पे ही मैनेजमेंट को वो डाटा प्राप्त होता है, वो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर मैनेजमेंट अपना जो मुख्य काम नियोजन, नियंत्रण और निर्णयन, इसके अंतर्गत उसको सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार से अपन ने ये देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें विभिन्न विषयों की विभिन्न विधियों को मैनेजमेंट के सहायता के लिए प्रयोग में किया जाता है। मैनेजमेंट के जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस सारांश रूप में अपन ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है बहुत वाइड है, बड़ा व्यापक है, और इसमें अभी निरंतर और भी वृद्धि, निरंतर वृद्धि हो रही है। अन्य विषय भी इसके अंतर्गत, जो नई नई विधियां टेक्निक आ रही हैं, वो भी इसके अंतर्गत यूज की जा रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की विशेषताओं के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये डेवलपिंग सब्जेक्ट है, इसका अभी भी विकास हो रहा है, निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। तो स्टूडेंट्स, अपन ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, उसके नेचर देखा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी, उसका स्कोप देख लिया, उसकी अपन ने इसके अलावा अपन ने उसके ये देखा कि उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल किए जा सकते हैं। अपन ने अभी तक क्या क्या चीज़ें देख ली, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नेचर और करेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ चुके हैं, इसके अलावा अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये अपन पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा अपन ने आज देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। ये देखिए, पूरा चैप्टर जो है अपना, फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक व्यापक रूप से आपके दिमाग के अंदर पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो उसमें अपन पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि प्रबंध लेखांकन, वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है, प्रबंध लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या अंतर है, प्रबंध लेखांकन की कमियां क्या क्या हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं। इस चैप्टर्स के बाद में अपन फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, इंटरनल कंट्रोल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।